हाय, क्या नाम है आपका? हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं भरावर हड्डे से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आप आज़ाद इंस्टीट्यूट में आपने वर्कशॉप करी, तो आपका एक्सपीरियंस और आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, हमें अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए। यहाँ आने में सर काफ़ी टाइम लगा था। मैं एक साल पहले यहाँ आया था, मैंने गूगल पे ऐसे देखा था, तो काफ़ी चीज़ें थी यहाँ कि मतलब जब गूगल पे हमने देखा तो सबसे ऊपर मतलब आज़ाद थिएटर का नाम आया, फिर मैंने उसकी रेटिंग देखी तो अच्छा लगा कि जानकारी लेते हैं। तो एक साल पहले मैं यहाँ आया था, जानकारी लिया तो सर ने बताया सारी चीज़ें, हमको जानकारी दिया तो मैंने कहा ठीक है सर, अभी कुछ घर में काम चल रहा है, अगली बार आएंगे तो जरूर आएंगे। फिर एक साल बाद हम आए तब यहाँ पे एडमिशन लिया अभी जनवरी में ही। तो मतलब जर्नी यही थी कि मतलब वहाँ से मैं जब सर से पूछा तो सर ने जब हमको बताया तो थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि हाँ सर के बताने का तरीका और जो हमको समझ में आई जो सर ने हमको बताया वो चीज़ मतलब बहुत अच्छी लगी। अच्छा, यही करना है। क्या क्या सीखा आप कुछ हमको बता सकते हैं कि क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हमने जो भी वर्कशॉप में सीखा जैसे कि नाइन मोड्स थे, एटीट्यूड वगैरह था और मोनोलॉग काफ़ी सीखे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हाँ एक्टिंग में भी ये होती है। क्या बात है, कह रहे थे आपसे कि आपने कुछ जो सीखा है हमको आज़ाद इंस्टीट्यूट से, तो आप हमको थोड़ा सा क्लिप्स बताइए कि क्या क्या सीखा आपने। जी बिल्कुल सर, सपने सपने तो हर किसी को आँखों में होते हैं, बस आँखें खुली होनी चाहिए, नहीं तो सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं, सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह जाते हैं। सर ऐसे ही आगे है पूरा मोनोलॉग। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अभिषेक जी, हमने आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको देख करके लगता है कि आज़ाद इंस्टीट्यूट से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी आगे काम करते रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत मुझे भी इतना अच्छा लगा यहाँ पे आए, इतने सारे अच्छे लोग थे, इतने सर अच्छे हैं कि हर चीज़ में हेल्प भी करते हैं और जो चीज़ें ना पता हो अगर पूछो मतलब अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हैं, कॉपरेट भी करते हैं हमेशा। जी सर। अच्छा अच्छा, तो आगे आपका कोई प्ले वगैरह भी है इसमें? जी सर, अभी हमको एक प्ले मिल चुका है। क्या बात है, आपको प्ले भी मिल गया? जी सर, अभी भी जल्दी मिल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आप अपने प्ले में मेहनत करिए और इसी तरह आज़ाद इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करिए। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, यह देश का सौभाग्य है कि ऐसे ऐरे गहरे नथु खरे विधायक चुन लिए जाते हैं, और तो और सजा याफ्ता कैदी भी विधानसभा और संसद भवन की शोभा बढ़ाते हैं। इतिहास गवाह है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीति के प्रथम चरण में चोर डाकू लुटेरे अपनी सुरक्षा प्राप्ति के लिए राजनेताओं की शरण में आते रहे हैं, और राजनीति के दूसरे चरण में वही राजनेता अपनी स्वार्थ पूर्ति और आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए उन्हीं अपराधियों की शरण में जाते रहे हैं, और आज राजनीति के तीसरे चरण में वही तथाकथित अपराधी लुटेरे खूनी अपराधी स्वयं विधायक और सांसद चुन लिए जाते हैं। हमारे नवनिर्वाचित महामहिम विधायक भी उन्हीं रत्नों में से एक हैं, हम उनका सादर अभिनंदन करते हैं। थैंक यू।